जी हाँ भाई साहब, आप देख सकते हैं विधाता जो कि भारत का एकमात्र भामाशाह पुरस्कार विजेता कंपनी है। हमारे ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, हम लोग जो अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, जनरेटर पंप सेट्स, पीटीयू पंप, पीटीयू जनरेटर, कहाँ कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आज की डेट में हम लोग कम से कम 25 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जनरेटर बहुत नज़दीक से हम देख सकते हैं, ये 10 KVA का हमारा टाइगर जनरेटर है, 15 HP का इंजन है, 3 बैरिंग वाला 15 HP का इंजन बनाती है विधाता। हैवी फ्लाईव्हील है ये, 80 किलो कास्टिंग का फ्लाईव्हील है, 80 kg कास्टिंग का फ्लाईव्हील। मार्केट में जबकि लोग 60 किलो 65 किलो के भी लगा देते हैं, अब होता क्या उसमें लीकेज होगी, काम खराब होगा। 6 ट्रॉली व्हील आप देख सकते हैं, 6 ट्रॉली व्हील हैं इसमें, 3 इधर और 3 इस साइड दिए हुए हैं। एक लिए साइलेंसर आपका निकल वाला दिया हुआ है, रेडिएटर आपका प्रॉपर रेडिएटर है विधाता कंपनी का, खुद का मैन्युफैक्चरिंग जी। अल्टरनेटर आप देख सकते हैं, सबसे हैवी ड्यूटी अल्टरनेटर है मार्केट में, 10 KVA का 4 इंची DC बड़ी बॉडी में अल्टरनेटर है। आपको मार्केट में शायद ही इतना हैवी ड्यूटी अल्टरनेटर मिल पाए। इसमें डिजिटल मीटर लगा हुआ है, कॉपर का रेडिएटर है, स्टैंड लगा हुआ है, जबकि लोग मार्केट में स्टैंड लगा के नहीं देते हैं, एच वाला स्टैंड दे देते हैं, वो गलत होता है। अच्छा, इसमें रेडिएटर ट्रे दी है, मार्केट में लोग रेडिएटर ट्रे नहीं लगा रहे हैं आजकल, इसमें पानी वगैरह इसी में रह जाए। हाँ, अगर रेडिएटर आपका लीकेज करता है तो ट्रे में पानी रहेगा, और अगर ज़्यादा भर गया तो पानी यहाँ गिरेगा, ना कि सीधे आपके अल्टरनेटर में जाएगा। तो कई चीज़ें हैं ऐसी समझने वाली, आप देख सकते हैं ये रॉकर बॉक्स नट है, हैवी क्वालिटी के डीजल पाइप हैं। इसमें क्रैंक कनेक्टिंग रॉड जो लगी हुई है वो EN9 हार्डन लगी हुई है, जो कि सबसे मजबूत होती है। यहाँ विधाता और आर का मतलब रजिस्टर्ड ब्रांड है। आप ये देख सकते हैं स्टॉपर लगा हुआ है, मार्केट में जो लोग अब स्टॉपर लगाते ही नहीं है, ये वाला हॉर्स पाइप आप देख सकते हैं, विधाता कंपनी के हॉर्स पाइप है। ओके, ये आपका 10 KVA डीलक्स जनरेटर है। अब डीलक्स जनरेटर में डिफरेंस क्या, मैं आपको बता देता हूँ। 14 HP इंजन के साथ में ये 10 KVA का डीलक्स अल्टरनेटर है, 7 इंची डीलक्स बॉडी में बनाया हुआ है। okay. एक डिफरेंट मॉडल है, 10 KVA का 10-14 में आता है, और 10 KVA का 10 Tiger में आता है। अच्छा, दोनों तरीके के मॉडल अवेलेबल है विधाता के पास। okay. ये वाला आगे आप देखते हैं, 7.5 का है, 5 KVA का है, 2.5 KVA का है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, अंदर देखेंगे और डिटेल। आइए जी हाँ दोस्तों, हम अभी फैक्ट्री के अंदर हैं। जनरेटर बनाने के लिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, और वो स्पेयर पार्ट्स आते हैं यहाँ पर मशीन होते हैं, और मशीन किस तरीके से हो रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब काम चल रहा है। हम लोग कास्टिंग करवाते हैं बाहर, और कास्टिंग करवा के अपनी फैक्ट्री में उसका मशीन करते हैं, मशीन करके फिर वो चेक होता है, और फिर वो मार्केट में पूरा कंप्लीट जनरेटर बन के जाता है। तो इस तरीके से ये सब स्पेयर पार्ट्स मशीन हो रहे हैं, और मशीन होगा पूरा कंप्लीट जनरेटर अभी बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये जनरेटर रखे हुए हैं, ये टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि इन पर हम लोड डाल चुके हैं, रेडी हैं पेंट होने के लिए। और इसमें 3 KVA, 5 KVA, 7.5 KVA, 10 KVA, 15 KVA के जनरेटर रखे हुए हैं। यहाँ बन रहे हैं इंजन, आप देख सकते हैं कि इंजन कैसे बनाया जा रहा है। इसमें इंजन में 350 स्पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। सारे स्पेयर पार्ट्स को पहले चेक किया जाता है, चेक करने के बाद में फिटिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं कैमशाफ्ट है, कई चीज़ें हैं, कई स्पेयर पार्ट्स हैं, कनेक्टिंग रॉड है, ऊषा का पिस्टन लगाया जाता है, आप देख सकते हैं ऊषा का पिस्टन लगा हुआ है इसमें। ऊषा का पिस्टन लगाया हुआ है, ओरिजिनल ऊषा ही होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लोग क्या करते हैं हल्के स्पेयर पार्ट लगा के आपको दे देते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी इंजन तैयार हो रहा है, इसमें 350 स्पेयर पार्ट्स हम लोग बेस्ट कंपनीज के लगाते हैं, उसी वजह से एक एक कलपुर्दा जो इसमें लगाया गया है वो बेस्ट होने की ही वजह से आपका इंजन बढ़िया चलता है। अब आप देख सकते हैं इतने सारे जनरेटर फैक्ट्री के अंदर है, हम सारे जनरेटर बनाने के बाद में टेस्ट किए जा रहे हैं। ओके, फाइनल टेस्टिंग होती है, उसके बाद पेंट में जाते हैं ये, और पेंट करने के बाद में जनरेटर आपको ऐसा मिलेगा। ओके, आपको मैं चारों तरफ से समझा देता हूँ। 7.5 KVA सिंगल फेस का अल्टरनेटर है, विधाता का लोगो लगा हुआ है। ओके, विधाता एम्बॉस्ड है, विधाता कास्टिंग में है। 7.5 KVA का अल्टरनेटर 6 इंची बॉडी में बनाया जाता है, मार्केट में लोग 5.5 इंची बॉडी में भी 7.5 KVA का जनरेटर कह के बेच देते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इधर
ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप वोल्टेज कितने बना रहा है। कॉपर का रेडिएटर है विधाता कंपनी का, जबकि लोग मार्केट में एल्यूमिनियम का रेडिएटर लगा देते हैं। रेडिएटर ट्रे लगी हुई है, आप देख सकते हैं नज़दीक से, मार्केट में रेडिएटर ट्रे होती ही नहीं है। हैवी फ्लाईव्हील है, 64 किलो कास्टिंग का फ्लाईव्हील लगाया जाता है, जबकि मार्केट में 50 किलो से लेकर 60 किलो के बीच में लगा देते हैं। फिर वो कंपन करता है, हिलता है, वाइब्रेशन करता है। ये हॉर्स पाइप विधाता के कास्टिंग में देख सकते हैं, जगह जगह ढलाई में विधाता मिल जाएगा आपको। ये आपका गियर कवर हो गया, कास्टिंग में आप विधाता देख सकते हैं, शीट मेटल पे देख सकते हैं विधाता के टैग है। एयर क्लीन साइलेंसर पे भी विधाता आपको मिलेगा। ये निकल वाले एयर क्लीन साइलेंसर होते हैं, जबकि मार्केट में लोग काले वाले लगा देते हैं। बहुत सारे फ़र्क हैं विधाता के जनरेटर में, मार्केट के जनरेटर में जो फ़र्क है वो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ।